तो हमारी इस बेसिक एक्सेल में हम बात कर रहे हैं आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बेसिक एक्सेल पर कवर कर रहे हैं एडवांस एक्सेल रिकॉर्ड के लिए सर अल्ट प्लस आर है ना, अल्ट प्लस आर से रिकॉर्ड होगा सर। ओके तो हम बात कर रहे हैं एक्सेल के बारे में। सबसे पहले हम एक्सेल के आर्किटेक्चर के बारे में बताते हैं। मैंने आपको लास्ट में बताया था कि कैसे एक्सेल आप रन करेंगे। रन करने के लिए था कि आप अगर स्टार्ट मेनू से जाके रन कर सकते हैं, दूसरा आप विंडो आर कर दें, तो विंडो आर पे एक्सेल लिखेंगे तो आपका एक्सेल एप्लीकेशन खुल जाएगा। तो इन दो चीजों में क्या होगा कि जो भी आपकी फाइल खुलेगी वो अनसेव्ड फाइल होगी, समझे। तो जैसे आप खोलोगे तो आपके सामने पहला विंडो आएगा जिसमें आपको ब्लैंक वर्कबुक दिखेगा। अब विंडोज अपने अपने सेटिंग के हिसाब से चेंज होता है, किसी को किसी और तरीके से होता है। अभी आपको इस तरह का आया, किसी को इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। तो इसमें जो है आपका ब्लैंक वर्कबुक है। इसके अलावा और भी चीजें हैं, तो टेम्पलेट वगैरह है, इसको छोड़ देते हैं, हम ब्लैंक वर्कबुक की बात करते हैं। जैसे आप ब्लैंक वर्कबुक क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक बुक वन बुक टू बुक थ्री इस तरह से फाइल खुल गया है, ठीक है। इसमें आप काम करो, लेकिन होता है अनसेव्ड फाइल। क्या होता है, आपको काम करने से पहले या काम करने के बाद में इसको सेव करके एक लोकेशन और नाम डिफाइन करना पड़ेगा ये फाइल को कहां सेव करना है। जैसे कि आप काम करने से पहले या काम करते ही आप जैसे कंट्रोल पे क्लिक करोगे सेव पे, तो आपसे पूछेगा कि फाइल को कहां सेव करना है, डॉक्यूमेंट पे, डेस्कटॉप पे, या कोई पर्टिकुलर लोकेशन के लिए आप ब्राउज पे क्लिक कर सकते हैं, राइट सर। ओके, अपनी लोकेशन दे दीजिए, अपना फाइल का नाम दे दीजिए, फाइल का एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट आपका एक्सेल वर्कबुक रहेगा, इसको चेंज मत कीजिएगा, ये रखिएगा। चेंज कब करना है मैं आपको बताऊंगा। तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि नहीं नहीं मैं लोकेशन वगैरह नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरा क्रिएटेड फाइल टाइप में एक्सेल वर्कबुक करना क्या सर। हाँ, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, सेवा जब समझाया नहीं समझा हुआ तो फिर रुक जाइए। तो आपको क्या है कि आप अगर विंडो से या फिर आप रन से अगर आप एक्सेल लेते हैं तो उसको आपको सेव करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ मुझे सेव करने की जरूरत ना पड़े, तो जहां आप हैं वहीं पे राइट क्लिक कीजिए। जैसे हमारे डेस्कटॉप पे फाइल चाहिए या डी ड्राइव में फाइल चाहिए, वो ड्राइव में जाइए और राइट क्लिक कीजिएगा, न्यू पे चले जाइए। न्यू पे आपको बहुत सारे दिखेगा, इसी में आपको दिखेगा यहाँ पे माइक सॉरी यहाँ पे मैं राइट क्लिक किया, यहाँ पे मैं न्यू पे गया, और यहाँ लास्ट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट है ना, क्लिक कर क्लिक करते हैं, आपको नाम चेंज करने के लिए बोलेगा। नाम आप जो देना चाहते हो, डेटा जो देना चाहते हो आप दे दीजिए। अब इसका एक इससे फायदा क्या हुआ कि आपका सेव फाइल हो गया। अब इसको सेव एज करने की झंझट नहीं रहेगी। अब इसको ओपन कीजिए और इस पे अपना काम, ठीक है सर। ओके, क्लियर है, कोई डाउट इसमें। ये मतलब जो सर अभी डेटा फाइल है ना आपने जो अभी सेव किया, हर एक का अलग रहेगा, सब एक्सेल के फाइल इसमें रहेगी। हाँ, मतलब कि एक फाइल, एक चीज के लिए आप एक ही फाइल बनाओगे ना। ओके, हाँ तो वही ओपन होगा उसमें। हाँ ओके ओके, समझ में आया। तो आपको फाइल क्रिएट करने आ गया। नया फाइल लेने के लिए आप जो है एक्सेल इस पे सर्च बार से या विंडो आर से आप नया फाइल ले लेंगे, तो लेकिन उस फाइल को आपको सेव करना पड़ेगा। सेव क्यों करना पड़ेगा, बेसिकली जैसे नया फाइल आपने लिया, ये फाइल अभी आपका टेम्पररी मेमोरी के अंदर में है, ये आपके हार्ड डिस्क में परमानेंट सेव नहीं हुआ। अब इस पे अपना काम वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो काम आपका तभी सेव होगा। अब सेव करने की जरूरत क्यों पड़ेगी, अगर आपको ये फाइल चाहिए, दोबारा चाहिए, मतलब कि आपने एक डेटा स्टोर किया और उसको आप 5 दिन बाद उस डेटा को दोबारा देखना चाहते हो, उसको सेव करना पड़ेगा ना सर। राइट,
ठीक है, जैसे हुआ कि आपने एक तो रफली पेज लिया उस पर लिख के फेंक दिया, तो नेक्स्ट टाइम तो नहीं मिलेगा। एक होता है कि आपने एक जर्नल बुक निकाली और उसमें आपने अच्छे तरीके से लिखा और उस जर्नल बुक को आपने संभाल कर, वो यही सिस्टम यहाँ पर। तो जब आप मान लीजिए, एक तो एक तरीका है कि अगर आप आपको पता है कि मुझे इस लोकेशन में लेना है और राइट क्लिक करके नाम हम देखे फिर फाइल ओपन करेंगे, इससे क्या होगा आपको फाइल सेव एज करने का झंझट नहीं रहेगा। लेकिन इस फीचर को बहुत कम यूज करते हैं हम जनरली फाइल न्यू क्रिएट करते हैं फिर उसको सेव करते हैं। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे ये आपका सेव एज का बटन आ जाएगा। क्यों? अगर आपका फाइल पहले से, देखिए सेव अलग चीज होता है, सेव मतलब कि आपने जो काम किया उसको सेव कर दिया, तो सेव एज में कब जाता है right. तो आपने सेव पे क्लिक किया आपका फाइल नया है, न्यू फाइल है, क्रिएटेड न्यू क्रिएटेड फाइल है, अभी तो उसको सेव नहीं किया गया है, लोकेशन और नाम नहीं दिया गया है, तो सेव एज पे जंप हो जाएगा। तो अब सेव एज करना है तो यहाँ पे जो आपको दिखेगा रिसेंट फोल्डर्स आपके दिखेगी, ठीक है, तो रिसेंटली जो आपने फोल्डर में सेव किया है वो रिसेंट रिसेंट फोल्डर हो गया है। दो मिनट दीजिए, मेरा माउस लग रहा है। दो मिनट दीजिए। हेलो, हाँ सर बोलो। तो यहाँ पे आप जो है एक तो लोकेशन चूज करोगे, आप लोकेशन चूज करने के बाद यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट जो है एक्सेल वर्कबुक होगा, तो आप इसको एक्सेल वर्कबुक ही रखिए। ओके ठीक है। और फिर आप नाम जो देना है यहाँ पे नाम दीजिए और फाइल को सेव कर दीजिए, उसी फाइल का आपका सेव हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जो है आपका सर सेव एज न्यू फाइल के लिए ना? हाँ न्यू फाइल के लिए। ओके और नेक्स्ट टाइम जब इसमें डेटा डालेंगे तो जस्ट आपको सेव मतलब की कंट्रोल एस करना पड़ेगा, फिर नाम देने की जरूरत नहीं है। और याद रखिये आदत रखे, जैसे आपने काम किया तो फिर आप कंट्रोल एस दबा, मतलब एक पीरियड होंगे। क्या हुआ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, काम करते जाते हैं करते जाते करते जाते करते जाते लास्ट में सेव करते हैं, तो लास्ट में सेव जो होगा उसमें दिक्कत नहीं आती सर। हेलो हेलो कैन यू कॉल आफ्टर सम टाइम नाउ इन द क्लास। तो यहाँ पे जो है मैं बोला था कि बहुत समय होता है कि आप काम करते जाए सेव लास्ट में करें तो उस समय क्या होता है, मान लीजिए कि आपके पीसी में नहीं है, बैकअप नहीं है, वो अचानक लाइट चली जाएगी, या मान लीजिए आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं आपको बैकअप भी है तो आपका एक्सेल हैंग हो सकता है। ओके तो कई सारे फैक्ट है, कई सारे कारण है जिस कारण से हम सेव जो है एक छोटे छोटे पीरियड पे सेव करते रहिए। तो अगर मान लीजिए कि आपका एक्सेल हैंग होके बंद हुआ तो कोई एक छोटा पीरियड में डेटा लॉस होगा। मान लीजिए आप मान लीजिए वाउचर एंट्री कर रहे हैं, आपको 10,000 वाउचर एंट्री करने हैं, तो आप क्या है कि 20-20 वाउचर पे फाइल सेव कर दे रहे हो, तो आपका अगर फाइल डेटा लॉस होगा तो 20 वाउचर की लॉस होगा ना। मान लीजिए आपने 500 वाउचर आपने एंट्री किए फिर सेव किया, अगर हैंग हो के बंद हो गया आप फाइल से क्लोज हो गई तो 500 एंट्री चली जाएगी ना सर आपकी, इसलिए ठीक है सर। पर सर ये बार बार कंट्रोल एस करने तो बार बार ओपन होगा क्या?
नहीं, कंट्रोल एस एक ही बार ओपन, आपने फाइल क्रिएट कर लिया तो एक बार बार ओपन नहीं होगा, मतलब उसी फाइल में हम काम कर सकते हैं कंटिन्यू। जैसे कि मैं फाइल देखता हूँ, जैसे ये डेटा फाइल है ना हमारा सर, मैंने इस पे कुछ काम किया और कंट्रोल एस या इस पे क्लिक कर दिया, सेव हो गया, दुआ नहीं मांगा। ओके, हाँ, हो गया। तो सेव करना जरूरी है। दूसरा चीज कि अगर आपने जो फाइल, मान लीजिए आपने कल उस फाइल पे काम किया, आज आप उसी फाइल को आगे कर, उस पे ही काम करना चाहते हो, एक तरह जहां फाइल है वहां पे जाके डबल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो, जैसे डेस्कटॉप पे है या बी ड्राइव सी ड्राइव पे भी पड़ा है तो आप क्लिक करके ओपन कर सकते हो, नॉर्मली फाइल ओपन करते हो, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है कि जैसे डेटा फाइल ही देख लीजिए, मुझे पता नहीं कि फाइल कहाँ पे है, भूल गया तो खोजना पड़ जाएगा आपको ना। लेकिन जैसे फाइल में आप जाएंगे और जैसे आप जाएंगे ओपन में, ओपन दिख रहा है न्यू के नीचे ओपन है, ओपन में जाएंगे और यहीं पे आपको रिसेंट डॉक्यूमेंट दिख जाएगा, दिख गया सर। तो आपका जो डेटा है इसको हमने ले लिया, ठीक है। अभी सर जिस मान लीजिए कि मैंने अपने डेटा क्या बोल रहे हैं, मैंने अप्रैल 2016 लिया ना अभी, तो मेरे प्रीवियस फाइल है ना, वो कहाँ पे मुझे अभी सर्च करने होंगे सर? अभी आपने काम शुरू नहीं किया है ना, काम शुरू करोगे तब ना रिसेंट डॉक्यूमेंट दिखेगा, प्रीवियस फाइल नहीं होता है, रिसेंट डॉक्यूमेंट माने कि रिसेंटली जिस पे आपने काम किया। राइट, पर अभी 16 में तो रिसेंटली नहीं है ना सर, अभी आपने 16 को जस्ट इंस्टॉल ही किया है ना सर? हाँ नहीं, पहले वाले मेरे जो 13 के फाइल थे। नहीं नहीं आएगा जब तक आप जब जैसे जैसे काम करोगे तब आएगा सर। ओके, मतलब वो हर बार ओपन करना पड़ेगा उनको भी। हाँ, मैं ओपन की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कि जब आप उसको काम अपने, हेलो मैं बोला था कि रिसेंटली फाइल क्या होता है कि जैसे कि आपने आज कल परसों 3-4 दिनों में जो फाइल ओपन की है ना उसका लिस्ट दिखेगा, लेकिन आपने 2016 दस इंस्टॉल किया है ना अभी, तो आपको जब आप करेंगे तो एक दो दिन बाद दिखेगा आपको फाइल। जैसे एक फाइल ओपन करके क्लोज कीजिए, फिर दोबारा जाके देखिए वो फाइल का लिस्ट में नाम रहेगा। समझ गए? क्लियर है सर? हाँ क्लियर है सर। ठीक है, तो आप यहाँ से ओपन कर ले, या फिर मान लीजिए कि नहीं मुझे इस लिस्ट में नाम नहीं, मेरा बहुत पुराना फाइल है, तो ब्राउज पे क्लिक करें। हाँ, राइट। ओके। और जहां पे फाइल सेव है सिलेक्ट करके आप ओपन कर ले, इतना तो जानते ही होंगे आप। हाँ, ब्राउज पे जाके। तो हमने फाइल को, मैं हमने फाइल क्रिएट करना सीख लिया, फाइल को ओपन करना सीख लिया, और हम रिसेंटली फाइल को भी ढूंढना सीख लिया। राइट। अब जैसे होता है क्या है कि मुझे कुछ इस डेटा है, मुझे इस डेटा को अलग एक नई फाइल में, जैसे होता है क्या है कि आपको बॉस ने बोला कि भाई मुझे एक पर्टिकुलर पार्ट का डेटा दे, जैसे कि मैं इस डेटा को ओपन करता हूँ। अब इस डेटा में मेरे यहाँ पे डेटा में सैलरी है, तो बॉस ने बोला कि भाई मुझे ऊपर के 10 डेटा को दे दो, भेजो मेल करो। तो आपने ऊपर का 10 डेटा लिया, अब इसी 10 डेटा को मेल कैसे करेंगे? तो इसको कॉपी करके हम एक नई फाइल में पेस्ट करके फिर उस फाइल को सेव करके मेल करना होगा। okay. कॉपी करना है। तो मैं सबसे पहले इसको कॉपी करूंगा कंट्रोल सी, और फिर मैं कंट्रोल एन करूंगा न्यू, या फिर न्यू में जाके मैं ब्लैंक वर्कबुक लूंगा। इससे क्या होगा कि एक नई फाइल ओपन होगी, फिर मैं इसको पेस्ट करूंगा और फिर मैं इसको सेव करूंगा, और फिर उस फाइल को अटैच करके हम मेल कर देंगे। राइट, समझ गया? हाँ, समझ में आया। तो न्यू फाइल लेने के लिए जरूरी नहीं कि हर बार आप एक्सेल को लॉन्च करो, आप कंट्रोल एन से भी नई फाइल ले सकते हैं, कंट्रोल एन से। राइट, या फिर फाइल में जाके न्यू पे। समझ
समझ गए? हाँ सर, तो न्यू फाइल आप फाइल में जा, इसमें फाइल में जाके न्यू से ले लो या कंट्रोल एन कर लो, लेकिन जब आप पहली बार ओपन करोगे तो आपको सॉफ्टवेयर तो लॉन्च करना ही पड़ेगा। हाँ राइट, ओके समझ आ गया। अब हम बात कर, अभी जैसे कि अब आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे डेटा एंट्री के बारे में कि एक्सेल पे डेटा एंट्री हम कैसे करेंगे, ये जरूरी है सर। तो देखिए डेट एक्सेल की डेटा एंट्री के लिए हमें एक फाइल चाहिए, तो फाइल अगर पुरानी फाइल है तो उसको आप ले लें या नई फाइल क्रिएट कर लें, ठीक है। और डेटा एंट्री जब भी आप ओपन करेंगे हमारे पास एक या तीन शीट्स आपको मिलेंगे, एक फाइल के अंदर में डिफॉल्ट आपको एक या तीन सीट होता है, आप अपने हिसाब से सीट ऐड कर सकते हैं, और एक सीट में आप जो है 10 लाख रो एंड 16,000 कॉलम डेटा एंट्री कर सकते हैं। डेटा एंट्री कहाँ होता है? एक्सेल में 10 लाख समथिंग रो एंड 16,000 समथिंग कॉलम। समथिंग इसलिए बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट यहां से पता चलेगा, ये रहा ना 10,49,576 रो एंड 16,000 समथिंग कॉलम होगा। तो डेटा एंट्री, तो डेटा एंट्री क्या है जानिए, क्या एंट्री करना चाहते हो? जैसे मान लीजिए आपके पास डेटा तो होगा, लेकिन मैं बात करता हूं कि मैं अपने मोबाइल का कॉन्टेक्ट को एंट्री करना चाहता हूँ, ठीक है, अपने मोबाइल कॉन्टेक्ट को एंट्री करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जब भी आप डेटाबेस को डेटा एंट्री करने जा रहे हैं तो आप एक क्या करेंगे, एक यूनिक आईडी रखेंगे, जैसे कॉन्टैक्ट आईडी सेल्फ जनरेट हो। डेटा डेटाबेस का नियम है सर कि आपके डेटा में एक यूनिक आईडी तो होना ही चाहिए, ओके ठीक है। उसके बाद आप नेम, तो इस तरह से पहले हेडिंग क्रिएट करना होगा, क्या करना होगा, हेडिंग क्रिएट करना, हेडिंग हाँ, जैसे कि कॉन्टैक्ट नेम सिटी एड्रेस कर दीजिए, एड्रेस सिटी नंबर नहीं, सिटी हो गया, यहाँ पे मोबाइल नंबर, प्राइमरी मोबाइल नंबर लिख दीजिए, दो नंबर हो सकते हैं ना, अल्टरनेटिव नंबर ये भी हो सकते हैं, ईमेल आईडी, ठीक है ना, रिलेशन की कौन है आपका, वगैरह वगैरह। तो जब डेटा एंट्री करें ना सर, तो एज पॉसिबल पूरी इंफॉर्मेशन डालने की कोशिश करें। अब लोग सर इसमें रिलेशन क्या क्या जरूरत है क्या? तो मान लीजिए कि आपका एक आप आपका एक व्हाट्सएप करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि एक एक ऐसा एक डेटा बनाना चाहते हैं, तो उसमें आप पर्सनल डेटा ऐड नहीं करना चाहते, ऑफिशियल डेटा ऐड करना चाहते, तो फिल्टर लगा सकते हो। तो ये फ्यूचर डेटा में जो क्रिएट करेंगे, किस डेटा का फ्यूचर में क्या यूज होगा तो आपको पता नहीं, बराबर, ठीक है। राइट सर, एक मिनट सर, एक मिनट दीजिएगा सर। हाँ सर, हाँ
तो नेम, एड्रेस, सिटी, मोबाइल नंबर, नंबर्स, ईमेल एंड रिलेशन, तो इस तरह से डेटाबेस क्रिएट होता है, समझ गए सर? हाँ सर। तो डेटाबेस इस तरह से क्रिएट करेंगे और डेटाबेस में फॉर्मेटिंग वगैरह अवॉइड करेंगे। और टाइप कैसे करते हैं देखिए, जैसे कि मुझे यह नंबर है तो वन दे दिया, तो यहाँ पे आप एंटर प्रेस कर सकते हैं, टैब प्रेस कर सकते हैं, एरो की यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाम मैंने दे दिया मैंने सुजीत कुमार, इसमें भी सेम एंटर टैब एरो कोई दे सकते हैं, लेकिन मुझे सुजीत कुमार सिंह करना था, तो अब मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंह करूंगा। अब मैं यहाँ पे एरो की यूज नहीं कर सकता, टैब या फिर एंटर ही कर सकता हूँ। तो नई एंट्री अगर आप करते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया B412 दक्षिणपुरी, ये मेरा एड्रेस है, तो यहां नई एंट्री है तो मैं एरो टैब दे सकता हूं, एरो की दे सकता हूं, लेकिन मैं अगर चेंज किया तो नहीं दे सकता। क्लियर है? एरो की का क्या यूज है सर? एरो की का यूज है कि कर्सर को मूव करना, ये जो गोला गोल सर्कल दिख रहा है ना, हम जहां पे हमारी एंट्री होगी, तो जहां पे एग्जैक्ट करना है तो खाया तो माउस से आप ले जाए या कीबोर्ड से ले जाना है तो आप एरो की अप एरो से ऊपर गए, राइट एरो से आए, डाउन से नीचे आए, लेफ्ट से चले, समझ गए? ठीक है। सिटी नाम बाहर जा रहा है ना इसमें, एक भी मैं आपको समझा रहा हूँ, न्यू दिल्ली। और तो होता है क्या है सर कि जो आपके जो डिफॉल्ट आपका कॉलम का साइज होता है, तो इस पे आप एंट्री कर सकते हैं क्योंकि डेटा स्टोर हो गया लेकिन विजुअल नहीं होगा। विजुअल करने के लिए आपको कॉलम बड़ा करना पड़ेगा। तो हम कॉलम कब बड़ा करेंगे? जब हम इसको प्रिंट आउट निकालेंगे। तो प्रिंट आउट डेटा का नहीं, रिपोर्ट का निकलता है, राइट। इसलिए कॉलम बड़ा करने की जरूरत नहीं है, नहीं। देखना होगा तो उसके ऊपर कर्सर ले जाइए, ऊपर आपको पूरा दिख जाएगा फॉर्मूला बार। तो इस तरह से आप एक एक करके एंट्री करेंगे। और ईमेल आईडी भी इस तरह से लिखेंगे। समझ गए? राइट। और से आप दोबारा तिवारी एंट्री अपना करते चले जाएंगे, तो आप मुझे इसका एक डेटाबेस बना के भेज देंगे, राइट? चलेगा। कम से कम 50 एंट्री होनी चाहिए। कॉन्टेक्स्ट ना? 50, हाँ। ठीक है। अब ये होगी डेटा, दूसरा बात करते हैं रिपोर्ट। अब किसी को इन्फॉर्मेशन भेजनी है, जैसे मान लीजिए ना कि आपको डेली परचेज रिपोर्ट भेजना है कि आप डेली कितना परचेज किए, कितना सेल किया, कितना आपके पास, कितना ओवरऑल एक समरी भेजना है, समझ गए ना? हाँ, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि एक एरिया को सिलेक्ट करेंगे और उसको मर्ज कर देंगे। क्या करेंगे? मर्ज करेंगे तो क्या होगा, इमरजेंसी सेल सेंटर दिख रहा है ना सर? हाँ, हाँ। इससे क्या होगा कि एक बड़ा सा एरिया आपका जनरेट हो जाएगा, सेल बड़ा हो जाएगा। इसमें आप लिखेंगे पहले अपना टाइटल कि डेली सेल्स रिपोर्ट। अब इसको बड़ा करने के लिए यहाँ ए और स्मॉल ए और कैपिटल ए दिख रहा है ना आपको, इसे छोटा होगा, इससे बड़ा होगा, बड़ा होगा, इसको आप बड़ा कर लीजिए। टाइटल हमेशा बड़ा होना चाहिए ना सर? राइट। छोटा यहां से कर सकते हैं और अंडरलाइन यहां से दे दीजिए। अब आप यहां पे डालेंगे डेट, किस डेट को आप बना रहे हैं, और ये डालेंगे अपना लोकेशन, ठीक है। और ये जो लाइनिंग दिख रही है ना आपको सर, ये लाइनिंग प्रिंट में नहीं आता है। ओके, हाँ। तो प्रिंट बनाने के लिए आप यहां से बॉर्डर दिख रहा होगा, बॉर्डर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बॉटम बॉर्डर ले लिया, तो ये बॉटम बॉर्डर आ गया, और यहां भी मैं बॉटम बॉर्डर ले लेता हूं, ठीक है। अब यहां पे अब देखिए, जब भी रिपोर्ट बनाएंगे तो आप उसमें यूनिक आईडी नहीं सीरियल नंबर डालेंगे। ओके, आपने डेटा बनाया तो कॉन्टेक्ट आईडी दिया, इसमें हम सीरियल नंबर दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्ट आईडी हम जनरेट कर रहे हैं, लेकिन जब हम रिपोर्ट बना रहे हैं तो वहां पे सीरियल नंबर लेंगे, सीरियल नंबर,
ठीक है, यहाँ पे आइटम, ठीक है ना, यहाँ पे टोटल आइटम सेल्स हुआ, आइटम नेम माफ कीजिएगा, यहाँ पे आइटम नेम, ठीक है ना, टोटल परचेज, टोटल सेल, टोटल रेवेन्यू आउट, टोटल रेवेन्यू, अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, मैं एक सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है सर, इन ओके एंड और भी कुछ इस तरह से दे सकते हैं। अब इसमें हमें कॉलम बड़ा करना पड़ेगा, याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि इसकी हमें प्रिंट आउट या किसी को दिखाना है, क्योंकि दिस इज द रिपोर्ट। आइटम नंबर वन हमने बोला कि भाई हमने लैपटॉप, लैपटॉप टोटल परचेज हमने 3 किया है, सेल 2 किया है, और टोटल रेवेन्यू जो है हमने 50,000 रुपीज आउट किया है, और हमने यहाँ पे 40,000 रुपए इन किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है TFT, हम जो है टोटल 10 परचेज किए हैं, 7 सेल किए हैं, हमने इसको इसके लिए हमने जो है 95,000 हमने आउट किया रुपीज, और हमने 110,000 रुपए हमने इन किए। इस तरह से आप कर दें, लास्ट में आप यहाँ पे टोटल करें, और टोटल में यहाँ पे हम इसको सम कर देते हैं, ठीक है, इक्वल लास्ट, ठीक है। और सम कैसे करने का सर, हमने सम के लिए फॉर्मूला लगाया, इक्वल SUM सम, टैप दिया तो ओपन हो गया, और फिर ऊपर गया और शिफ्ट प्रेस करके हमने सेलेक्ट कर लिया, या माउस से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। मतलब पहले वो फॉर्मूला ऑटोमेटिक आ जाता है क्या सम का? लिखना, लिख लीजिए ना, आप डायरेक्ट लिख लीजिए कि इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, ठीक है, और पूरा ये रेफरेंस ले लीजिए, तो क्लिक करते रेफरेंस अपने आप आ जाएगा, ओके, और क्लिक कर लीजिए। अब मैं इसको, हाँ, अब मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, और इसमें जो बॉर्डर है, मैं बॉर्डर ए वाली बॉर्डर दे देता हूँ, टॉप डबल एंड जो टॉप एंड डबल बटन बॉर्डर, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना, और इसका भी जो है इसका भी हम बॉर्डर अप्लाई करते हैं, इसका बॉर्डर जो है हम सिंपल बॉर्डर रखते हैं, ये वाली जो ऊपर नीचे का बॉर्डर होता है ना, अच्छा ऑल बॉर्डर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। और इसको कलर करना चाहे तो आप इसकी बैकग्राउंड कलर ऊपर से कर सकते हैं, ओके। डेट डेट को टाइप करने के लिए कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन प्रेस करें, डेट आ जाएगा, कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन, कौन सा सेमी, सेमी कॉलन, ओके। और जब भी आप रिपोर्ट बनाए किसी को भेजें, तो आप पेज लेआउट पे जाएंगे और यहाँ ग्रिड लाइन दिखेगा, ये जो लाइनिंग दिख रहा है उसको ग्रिड लाइन कहते हैं, वो व्यू होता है, उसको अनचेक कर दीजिए तो अनव्यू हो जाएगा। अब देखिए, दिस इज योर डेटा, डेटा में किसी तरह की फॉर्मेटिंग नहीं, किसी तरह कुछ नहीं, और ये आपका रिपोर्ट, रिपोर्ट में आप फॉर्मेटिंग वगैरह हर चीज यूज किया, ठीक है। तो आपको डिफरेंस समझ में आया कि अगर आप डेटा एंट्री कर रहे हैं तो कैसा करेंगे, अगर आप रिपोर्ट एंट्री कर रहे हैं तो कैसा करेंगे, राइट, क्लियर है। हाँ सर, ये पेज लेआउट का क्या बताया आपने, ग्रेड लाइन का, बेसिकली क्या है कि आपका एक्सेल में जो लाइनिंग दिख रहा है ना सर, ये जो लाइनिंग है रो एंड कॉलम का, ये लाइनिंग नॉन प्रिंटेबल होता है, इस तरह से दिखता है। आप चाहते हैं कि लाइनिंग ना दिखे तो पेज लेआउट वाले में जाइए टैब में, और यहाँ पे ग्रिड लाइन के नीचे व्यू दिख रहा होगा, उस पर चेक होगा,
उसको अनसेव कर। पर प्रिंट में वैसे भी आया नहीं ना ये, प्रिंट में नहीं आएगा लेकिन टाइप में तो सभी हमें ध्यान रखता है कि हाँ कितना बड़ा हुआ नहीं बड़ा हुआ, कॉलम बड़ा कर, जब मैं कॉलम बड़ा कर रहा हूँ तो पता चल जाता है कि कॉलम का हाथ बड़ा हुआ। ठीक है, सॉलिड होती है इसी इसलिए, लेकिन रिपोर्ट वगैरह में इसको हम लोग इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। समझ आ गया? हाँ सर। तो सर प्रकाश जी, ये दो चीज मुझे भेजिए, आप मुझे टास्क डेटा बना के भेजिए, कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, खुद से बनाइएगा, और आप दो इस तरह की रिपोर्ट्स बना के भेजिए। ठीक है, दो रिपोर्ट ही बनाइएगा, कॉपी पेस्ट नकल नहीं कीजिएगा, नहीं आएगा नहीं। कोई बात नहीं चलेगा, ये बना के भेजिए। फिर कल, अभी आज मैंने आपको डेटा टाइपिंग वगैरह सिखाया, कल हम आपको आपके साथ डिस्कस करेंगे इसके क्या बोलते हैं प्रिंट प्रिंट वगैरह के बारे में, कैसे प्रिंट करें हम। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हम होम मेनू बार में कॉपी पेस्ट और बाकी चीजों के बारे में डिस्कस करें। और सर ये फॉर्मूला वगैरह आगे सीखेंगे ना हम? पहले बेसिक चीजें करेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे ना सर। हाँ नहीं मतलब पूछ रहा था। ठीक है, और सर ये सर सेव किस में होता है, ये रिकॉर्डिंग किया हुआ हमने? जूम ड्राइव, इसमें माय डॉक्यूमेंट के जूम फोल्डर में होगा।